स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। ठीक है, अमीना एक नंबर को सोचती है और उससे 5/2 को माइनस करती है। ठीक है, शी मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाई 8 और जो रिजल्ट आया एक्स माइनस 5/2 उसको मल्टीप्लाई करती है 8 से। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। जो उसने नंबर सोचा था एक्स नंबर मान लीजिए, तो उसका 3 टाइम्स, ठीक है, उसका रिजल्ट होगा। व्हाट इज़ द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना आता है उसको हम लेट करते हैं। लिखते हैं लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। ठीक है, नंबर एक्स ले लिया। नाउ कंडीशन क्या है कि अमीना थिंक्स अ नंबर, अमीना नंबर थिंक किया एक्स सोचा एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। जब भी फ्रॉम इट आता है तो फ्रॉम वाला पहले आता है, उसके 5/2 जो बाद में आएगा। कंडीशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस 5/2, क्योंकि फ्रॉम इट है तो एक्स माइनस 5/2 होगा। ठीक है, जब भी फ्रॉम आएगा तो एक्स वाला पहले आ जाएगा, 5/2 जो फ्रॉम से पहले है वो बाद में आता है माइनस के। ठीक है, शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। ठीक है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड इज, जो रिजल्ट मिलेगा हमें यानी जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स यानी 3 इंटू, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, जो उसने सोचा था वही नंबर। तो नंबर क्या सोचा था उसने, एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ब्रैकेट खोलते हैं, 8 पहले एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर 8 5/2 से मल्टीप्लाई होगा। 8 को एक्स से करेंगे तो 8x हो जाएगा, माइनस 5/2 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x, ये कट जाएगा 2, 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू 3x। एक्स की टर्म एक तरफ 8x है, 3x यहाँ आएगा तो माइनस 3x इक्वल टू माइनस 20, वहाँ जाएगा तो प्लस 20। 8x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 5x, 5x इक्वल टू 20। तो x कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई में है वहाँ जाके अपॉन में, 5 4 जा 20, तो x आ जाएगा 4। ठीक है, जो नंबर उसने कौन सा सोचा था, x नंबर इक्वल टू 4। ठीक है, तो नंबर जो थिंक किया था उसने वो था 4। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर। ठीक है, हमें नंबर फाइंड करना है, तो नंबर जो फाइंड करना था उसे हम एक्स लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर बोला, कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसको हमने एक्स ले लिया। ठीक है, लेट पॉजिटिव नंबर इक्वल टू एक्स। तो दूसरा क्या बोला है, पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, एक नंबर तो एक्स ले लिया, दूसरा नंबर क्या होगा, 5 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, अगर एक एक्स है तो अनदर नंबर क्या होगा, अनदर नंबर 5 टाइम्स। ठीक है, इसका 5 टाइम्स, किसका, एक्स का 5 टाइम। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या बोली है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर 21 दोनों में ऐड किया जाए देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। ठीक है, मान लो 21 दोनों में ऐड करते हैं तो कैसे हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा x प्लस 21 और सेकंड नंबर हो जाएगा 5x प्लस 21। ठीक है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर, जो एक न्यू नंबर होगा वो क्या होगा, ट्वाइस तो अदर नंबर। ठीक है, मान लीजिए ये है आपके नंबर्स 21 इक्वल टू एक्स प्लस 21। कंडीशन बोला है, इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर, अगर हमने 21 दोनों में ऐड कर दिया, ठीक है, तो वन ऑफ द न्यू नंबर, जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या होगा, ट्वाइस अदर नंबर, तो दूसरे नंबर का ट्वाइस होगा। अब हमने इसी में ट्वाइस क्यों लगाया, इसमें क्यों लगाया, क्योंकि जो बड़ा नंबर है 5x प्लस 21, ये x प्लस 21, तो ये बड़ा हुआ 5x प्लस 21, तो छोटे का ही दुगना होगा ना 5x वाला, यानी ये ज़्यादा हुआ, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो 5x प्लस 21 इक्वल टू 2x प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, 5x प्लस 21 इक्वल टू ब्रैकेट खोलेंगे 2x प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 42। अब वेरिएबल एक तरफ 5x, 2x यहाँ आएगा तो माइनस 2x 42, 21 आ जाएगा माइनस 21, 5x माइनस 2x हो जाएगा 3x। ठीक है, 42 माइनस 21 हो जाएगा 21, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 21 अपॉन 3। ठीक
ठीक है, 3 नीचे आ जाएगा, 3 7 जो 21, एक्स की वैल्यू आ गई 7। तो पॉजिटिव नंबर क्या हो गया आपका, एक्स 7 आ गया। और अदर नंबर क्या होगा, ठीक है, अदर नंबर क्या था हमारा, 5x, 5x, एक्स कितना है 7, 5 × 7 = 35। ठीक है, तो एक नंबर ये 7 हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 35। ये था क्वेश्चन नंबर 2।